स्टोर में आकर हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, GTA को सर्च मारते हैं। GTA को मैं इसलिए सर्च मार रहा हूँ क्योंकि इसे आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 121 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं 121 रुपये पर जैसा ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि यार ये क्या हो गया कि मुझसे 61 रुपया ही मांग रहा है। अरे भाई 121 रुपया क्यों नहीं मांग रहा है? तो यहाँ पर ये हो चुका है डिस्काउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। लेकिन आप अगर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको 121 पूरा मांगेगा, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर 121 पे क्लिक करूँगा तो मात्र 61 रुपया मांगेगा। अब ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि इस तरीके से मुझे डिस्काउंट हो जा रहा है? तो एक्चुअली दोस्तों ये हो रहा है गूगल प्ले डिस्काउंट के चक्कर में, यानी कि आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको इस तरीके से ऑफ़र आते हैं जिससे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को, आइटम को सस्ते में खरीद सकते हो। ये प्ले स्टोर में ये आपको देखने को मिलता है, जिससे आप गेट रिवॉर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शॉप नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है जिसमें आपको पैसे देखने को मिल रहे हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि आप इसे क्या कर सकते हो कि फ्री फायर के अंदर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि फ्री फायर के अंदर में जो भी आप आइटम को खरीदोगे वो सारे सस्ते में आएंगे। मान के चलो कि अगर मान के 80 रुपये का आप डायमंड खरीदते हो तो उसमें आपको मात्र 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। आप इसे सिंपली आप BGMI यानी कि BGMI के अंदर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर में भी आपको कोई भी आइटम को खरीदोगे तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तो ठीक है लेकिन ये आपके मोबाइल पर होगा नहीं, ठीक है, तो इसको आप मंगा सकते हो। अब दोस्तों इसको मंगाने का भी एक टेक्निक होता है, एक ट्रिक होता है, जिससे आप सिंपली क्या कर सकते हो कि मंगा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये हर बंदे को नहीं आता है। अब ऐसा क्या है कि सबके मोबाइल पर नहीं आता है और किसी के मोबाइल पर आता है? ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपके दोस्तों को फ़ोन में आता है जो कभी कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही मोबाइल को पकड़े हुए रहते हैं और उनका डिस्काउंट कूपन आते रहता है और वो ऐसे इग्नोर मारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन हम लोग का मोबाइल में नहीं आता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस Gmail ID को आप अपने प्ले स्टोर के अंदर में लॉगिन करके रखे हो उससे आपने रिडीम कोड खरीदे होंगे, रिडीम कोड निकाले होंगे, या फिर फ्री फायर अंदर या पबजी BGMI कहीं भी आपने पेमेंट किए होंगे, तो उस Gmail ID के अंदर में जल्दी डिस्काउंट कूपन नहीं आता। हो सकता है बाई चांस आ जाए लेकिन रेगुलरली नहीं आता है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि Gmail ID पर ये आएगा? तो देखो इसको मंगाने का सिंपल तरीका है, ये बिल्कुल नए Gmail ID पर आता है, एकदम फंडामेंटल है कि आपको नया Gmail मस्ट बी इंपोर्टेड है, उसके बिना आपको कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है, एकदम मस्ट बी इंपोर्टेड है, उसके बिना आपको काम नहीं होता। एक नया Gmail ID आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब नया Gmail ID बनाने के बाद ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देने पे आ जाएगा, इस पर आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना होगा? तो सिंपली क्या करना है कि प्ले स्टोर के अंदर में आपको लॉगिन करके रखना है और कुछ कुछ एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करते रहना है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है कि आपको इसको YouTube के अंदर में भी लॉगिन करके रखना है और YouTube को भी चलाना है उसी Gmail से। सेकंड क्या करना है आपको कि आपको क्रोम ब्राउज़र में भी लॉगिन करके रखना है और सब जगह इस्तेमाल करना है। अब एक चीज़ गलती मत करना जिससे डिस्काउंट कूपन आना बंद हो जाए, वो है कि रिडीम कोड निकाल कर आप कहीं पेमेंट मत करो। अगर आप रिडीम कोड निकाल कर कहीं पेमेंट करते हो तो उसके बाद में वो डिस्काउंट कूपन आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी रिडीम कोड मत उससे निकालो, ये डिस्काउंट कूपन नए Gmail ID पर ही आता है। तो इसका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ नए Gmail ID को क्रिएट करना रहता है, उसके बाद में क्या करना है उसका इस्तेमाल करना रहता है, वो ऑटोमेटिक आपको डिस्काउंट कूपन भेजते हैं, ये पुराने Gmail ID पर जल्दी नहीं आती है। इसका सिंपल सा यही फंडा है। तो दोस्तों लेट किस बात का है, अगर आप सस्ते में कुछ भी आइटम को ख़रीदना चाहते हो या फिर फ्री फायर के अंदर में कुछ भी खरीदना चाहते हो BGMI के अंदर में, तो आप इस डिस्काउंट कूपन को ज़रूर मंगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैंने जो प्रोसेस बताया आप ज़रूर उस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर दोस्तों ये आपको जानकारी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक।